माय नेम इज बाबू राजशेखर शुरू केकर साहिबा परवीन प्रकाश सुदत्त नाइक अशोक भट्टाचार्य हरिकिशोर ठाकुर अनिल कुमार झा कार्तिक चौहान केतन कुमार पांचालिया प्रदीप भुल राजेंद्र डॉक्टर श्रीनिवास आचार्य मेरा नाम नवतेश है। समर सर के फिल्म मेकिंग मास्टर क्लास के बारे में मुझे उन्हीं के यूट्यूब चैनल से पता चला था और ये 7 दिन का वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप की खूबसूरती मेरे को ये लगी कि इन 7 दिनों में आपको फिल्म मेकिंग के बारे में जितना कुछ बताया जाता है, कई इंस्टीट्यूट्स में करीब 6 से 8 महीने लग जाते हैं वो बताने में, जो सर ने सिर्फ 7 दिन में कवर कर दिया। सर ने सिर्फ थ्योरी के बारे में ही नहीं बताया बल्कि ऑन फील्ड ले जाके प्रैक्टिकल करके भी बताया हमारे को लाइट इक्विपमेंट्स और ऑन ग्राउंड चैलेंजेस क्या होते हैं और कैमरा इक्विपमेंट्स रेड एरी इन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया। और सिर्फ 7 दिनों में हमारे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर कि अब हम इंटिमिडेट नहीं हो रहे हैं कि हम सेट पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, नहीं, अब हमारे को सब कुछ बहुत क्लियर है और सिर्फ 7 दिनों में। आई रिकमेंड जो भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं वो आए और ये वर्कशॉप अटेंड करें और इट्स वैल्यू फॉर योर मनी। मैंने ड्रामा में PhD किया हुआ है और सबसे बड़ी बात यहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि समर सर जो है एक इस फील्ड के संत जैसे हैं, इन द सेंस दैट एक संत आदमी है ना, अपने पास जो भी नॉलेज है उसको कम्प्लीटली शेयर करना चाहता है सीकर के बेनिफिट के लिए और हमको अवकाश भी देते हैं हर एक चीज को प्रैक्टिकली, बड़े बड़े कैमरा एरी रेड जैसे कैमरा को टच करने का, उसमें प्रैक्टिस करने का अवकाश देते हैं। और इनके पास जो भी प्रैक्टिकल फिल्म्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े 20-20 साल 10-10 साल एक्सपीरियंस के क्रू आता है, कैस्ट एंड क्रू, इतने प्रोफेशनल और इतने एफिशिएंट लोग हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि इतने एफिशिएंटली फिल्म बनाते हुए, तो उनको देखकर धैर्य सा आ जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जो भी थ्योरी प्रैक्टिकल सिखाया है उससे तो लग रहा है कि तुरंत अभी जाके फिल्म बना सकूंगा। एक्चुअली हमें बचपन से ही फिल्में बनाना, ऐसे सिंगिंग करना, इनमें बहुत मतलब रुझान है, इंटरेस्ट है। तो हम यूट्यूब पे डीजी फिल्मिंग चैनल देखते हैं। पहले हमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज थी बट प्रैक्टिकली क्या होता है वो सब हमें जहाँ पे आके ही पता चला है। सर ने अच्छे से टीच किया, एक एक चीज को अच्छे से समझाया सब स्टूडेंट्स को, हमें सर का थैंक यू है। Before coming here, I went through a lot of videos in YouTube regarding with the summer sars class, and I got interested to come directly from Tamil Nadu to Bombay, and I felt it really a worthable class. A lot of things has been trained for us. There is no secrets in the syllabus and the lessons and all. Everything is taught very minute details. He teaches us everything, and it is a really worthable class for us. Thank you. पेशा में मैं फोटोग्राफर हूँ। एक आदमी एक बंदा ने हमको कहा, सर आप अभी भी इतना तंदुरुस्त हो, अभी पहाड़ पर चढ़ जाए तो हम लोग को पहले ही, तो आप क्यों अपना जो क्रिएटिव है वर्क को छोड़ के क्यों आप भाग रहे हैं। बोलो एक काम कीजिएगा, वो YouTube में एक समूर के मुखर्जी अच्छा लेक्चर देते हैं, तो 2-3 YouTube में देखते हुए लगा जे ना ये बंदा सही है, ये तो इसका नॉलेज है, ये स्टडी किया है। मैं सोचा और अच्छा जानकारी लेना है, तो वही हिसाब से मैं समूर के मुखर्जी को मैं चॉइस किया था। उसके बाद ही मैं तय कर लिया कि चलो भाई यहाँ जाकर कुछ करूँगा। वो शिक्षा लेते बगैर मैंने सोचा क्या, यहाँ कुछ हमको जानकारी मिला। समोर मुखर्जी रियली स्टूडियस एंड इंटेलेक्चुअल वाइज लर्नेड एंड व्हाट एवर एडजेक्टिव यू कैन पुट देयर इन हिज नेम। मैंने जो समर सर का जो एक वीडियो देखा था कि फिल्म पैसे से नहीं जुनून से बनती है, तो जुनून के मेरे अंदर में तो वैसे भी कमी नहीं थी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था वो 100 गुना था, लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस 1000 गुना बढ़ चुका है। मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था लेकिन उतना भी नहीं था। जब समर सर का वीडियो देखा, वीडियो में उन्होंने एक बार बताया कि वे लोग 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं मुंबई में, तो मैंने फ़ोन करके यहाँ के वर्कशॉप के बारे में पूछा और तुरंत मैंने टिकट बना लिया और यहाँ आ गया। यहाँ आकर एक फिल्म कैसे बनती है
एक फिल्म कहाँ कहाँ से गुजरती है सब कुछ मैंने सीखा, और हर एक डिपार्टमेंट का काम क्या क्या होता है वो सब कुछ यहाँ पर मैंने आकर सीखा। यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, उसके बाद आसामी सीरियल में मैं काम करूंगा। मुझे फिल्मों का बहुत शौक था और मैं बहुत दिन से कुछ करना चाहता था। ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो मैंने देखा जिसमें मुझे इफ्टा इंस्टीट्यूट का वीडियो मिला, जहां देखकर मुझे ऐसा लगा कि इनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने इफ्टा का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जितनी मेरी शंकाएं थीं वो दूर हुई। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए जहां मुझे प्रैक्टिकल अनुभव और हो जाए। काफ़ी कुछ तो ऑनलाइन पर ही सीख गए थे, लेकिन अभी मैंने 7 डेज की इफ्टा की वर्कशॉप ज्वाइन की। उसमें मुझे जो प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त हुआ उससे मैं फुल कॉन्फिडेंस हुआ और मैं अब वेब सीरीज, टीवी सीरियल, शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म बना सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ और रिलीज कर सकता हूँ। फिल्म मेकर बनने के लिए मुझे फिल्म मेकिंग का नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो मुझे इफ्टा के 6 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स करने पर मिला। यहाँ से मैं 6 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स करने पर थ्योरेटिकली वाइज तो मैं बहुत अच्छा हो गया, थ्योरेटिकल तो मैंने बहुत अच्छे से सीखा, मेरा नॉलेज बहुत इनहेंस हुआ, बट मुझे इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेना था। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना चाह रहा था। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इफ्टा का ही मैंने प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग वर्कशॉप अटेंड किया। यहाँ पर मुझे फिल्म मेकिंग का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। जैसे स्टोरी हुआ, स्क्रीन प्ले हुआ, शूटिंग हुआ, एडिटिंग हुआ, मतलब जो भी प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के जितने भी वर्क्स रहते हैं एक फिल्म मेकिंग के, उसका पूरा एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे इस वर्कशॉप का। वो बहुत सुपर, बहुत वेल डन है। मैं बाय गॉड ग्रेस एक राइटर हूँ और हर कोई राइटर तो हो सकता है, बट जो फिल्म में अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको क्राफ्टिंग आनी चाहिए। फिल्म इट्स अबाउट क्राफ्टिंग एज ए फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग की जो चीज़ें हो सारी चीज़ें एक राइटर को भी आनी चाहिए, और अगर आपको डायरेक्शन भी करना है तो फिर तो आपको आनी चाहिए। तो फिर मैं यूट्यूब में वीडियोस इसके देखता रहता था और लर्न करता रहता था वहाँ से। तो वहाँ मुझे सर के वीडियोस मिले, उनका एक चैनल है डीजी फिल्मिंग करके, और वहाँ मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे समीर के, मुखर्जी सर के। तो वहाँ से मैंने बहुत सीखने की कोशिश करी। फिर मुझे लगा कि जब तक आपको ऑन सेट का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप थोड़े इसमें काबिल नहीं हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका मैं कोर्स ही कर लेता हूँ। तभी सर का एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि 7 डेज का वर्कशॉप हो रहा है मुंबई में नवंबर में, तो उसके लिए मैंने एनरोलमेंट किया और एडमिशन लिया और मैं मुंबई आया ये कोर्स को सीखने के लिए। सर का जो टीचिंग टेक्निक है वो आप सोचते हो कि हम 3 साल का कोर्स कर लिया, 1 साल का कोर्स कर ले, तो वो जो चीज़ें आपको 3 साल में मिलती हैं तो वो थोड़ा फास्ट में, बट वो 7 डेज में हमको मिला, और यहाँ आने का जो मेरा मकसद था वो मुझे लगता है कि वो पूरा हो रहा है। 1 हफ्ते की जब इस वर्कशॉप के बारे में मुझे पता चला तो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि 7 दिनों के अंदर 20 साल का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, बट इसे प्रैक्टिकली ज्वाइन करके, प्रैक्टिकली सब कुछ समझ के अब ये मैं मानता हूँ कि वाकई ये पॉसिबल है। और समर सर का जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी डायरेक्शन क्वालिटीज़ हैं, काफ़ी कुछ उनसे सीखा इस वर्कशॉप के दौरान, स्क्रीन राइटिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में और फिल्म मेकिंग के हर एस्पेक्ट के बारे में जो जो डिटेल्स होती हैं सब कुछ सीखने को मिला। और समर सर ने अपने एक्सपीरियंस से जो जो हो सकता था वो सब कुछ हम लोगों को बताया, और अब इतना कॉन्फिडेंस है कि खुद की हम एक शॉर्ट फिल्म तो ज़रूर डायरेक्ट कर सकते हैं और आगे बड़े प्रोजेक्ट्स या फिल्म मेकिंग में भी जा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा समर सर का, और स्पेशली इस तरह का अगर कुछ वर्कशॉप दोबारा होता तो मैं ज़रूर उसे फिर ज्वाइन करना चाहूँगा। समर जी का 7 दिन का एडवांस डायरेक्शन कोर्स में मैं मुंबई आया था, और जिस टाइप से मैं जो सोच के आया था वही सोच ठीक है इधर। और समर जी जो है
वो तो पूरा कंप्लीट पैकेज है, हर चीज का वो मास्टर है, और जिस चीज थ्योरी पढ़ाई जाती थी उसी का फिर प्रैक्टिकल में शूटिंग कल से चालू है हमारा। कल एक तो हम टेलीफिल्म शूटिंग किया, आज एक तो टेलीफिल्म शूटिंग हो रहा है, छोटा छोटा 3-4 मिनट का शॉट कैसे लिया जाता है, लाइटिंग कैसा होता है, प्रॉपरली वो हमको गाइड कर रहे हैं। एक चीज मेरे को अच्छा लगा, समर जी जो है रिजिट नहीं होते हैं, पेशेंसली कूलली, जो भी हम स्टूडेंट इधर आए हुए हैं, जो पूछने से जितना बार पूछने से भी वो रिजिट नहीं हो रहे हैं, कूलली वो सबको आंसर कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, किसी को अगर कुछ पूछना है तो बार बार मेरे को पूछो, किसी भी टाइम पूछो, और थैंक यू समर जी। करीबन 1 साल से मैं समर सर से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इससे पहले उनका 6 महीने का डीजी फिल्म का कोर्स किया था जो कि ऑनलाइन था, मैं उससे बहुत ही संतुष्ट था। उसके बाद में मुझे उन्हीं का 2 दिन का DOP का कोर्स करने का चांस मिला और मैं वहाँ पे इतना खुश हुआ कि 2 दिनों में मुझे बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत ही महंगे कैमरा जैसे की एलेक्सा और रेड पे भी मुझे काम करने के लिए मिला, मुझे बड़ी जानकारी मिली उससे। और उन दोनों का एक्सपीरियंस देख के मैं इनका फिर से 7 दिनों का कोर्स करने के लिए आया हूँ जिसमें कि मुझे पूरी फिल्म मेकिंग की जानकारी मिलने वाली है। आज मेरा ये 4th दिन है, अब तक मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद में मैं खुद भी अपनी फिल्म बना पाऊँगा।